सो फ्रेंड, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुक माई शो एप्लीकेशन से मूवी टिकट कैसे बुक करेंगे। ऐसे तो मूवी टिकट बुक करने का बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आज इस वीडियो में बुक माई शो एप्लीकेशन से मूवी टिकट बुक करने का प्रोसेस मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा किस तरीके से आप पर्टिकुलर मूवी को सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप सीट बुकिंग करेंगे, और लास्ट में आपको ये बताऊंगा किस तरीके से आप पेमेंट करेंगे, यानी कि सारा कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिठू, देख रहे टेक माई मिठू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस तरह वीडियो देखना पसंद करते तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अभी मोबाइल की स्क्रीन पर चलता हूं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं किस तरीके से आपको टिकट को बुक करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका फोन का प्ले स्टोर को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में लिखना है बुक माई शो। लिखने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने नज़र आ जाएगा। सिंपली इस एप्लीकेशन को आपका फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ, इसलिए ओपन का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ ओपन का बटन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, जीमेल से यानी कि गूगल से कर सकते हैं, ईमेल से कर सकते हैं, और अपना फ़ोन नंबर दे के भी आप कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर दे के इसे लॉगिन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपना फ़ोन नंबर को टाइप कर लिया हूँ। सिंपली मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूँ। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका इस नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं OTP वेट कर लेता हूँ। देखिए OTP आ गया है, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे गाइस देखिए, दो ऑप्शन मिलता है, डिटेक्ट माय लोकेशन, और नीचे देखिए और एक चीज़ लिखा है कि सिलेक्ट मैनुअली, ठीक है। तो आप यहां से अपना लोकेशन को भी सिलेक्ट करने के लिए देखिए ऊपर डिटेक्ट माय लोकेशन पर जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो लोकेशन रहेगा वो ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। सिंपली आपको लोकेशन को यहां पर अलाउ कर देना है। जैसे कि यहां पर ऊपर में लिख रहा है कि अलाउ ऑल टाइम, यहां पर देखिए अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप। यहां पर आपको बीच वाला जो ऑप्शन है ये इस पर आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो लोकेशन है ये अपडेट हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको नज़दीक में कोई सिनेमा हॉल है उसका लोकेशन आप लेना चाहते हैं तो सिंपल देखिए ऊपर में देखिए जो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हुआ है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि दोस्तों देखिए ऑटोमेटिक जैसे कि लोकेशन डिटेक्ट करते ही मेरा यहाँ पर आसनसोल सिलेक्ट हो गया है। तो मैं इसे चाहता हूँ कि इसे चेंज करना है, क्योंकि दोस्तों देखिए मेरे लोकेलिटी में यहाँ पर पुरुलिया में भी सिनेमा हॉल है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आसनसोल जहाँ पर लिखा है वहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर मैं अपना पुरुलिया सर्च करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं पुरुलिया सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। तो देखिए पुरुलिया सिलेक्ट हो गया है। अभी देखिए ये है इस एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस। अभी आपको करना क्या होगा गाइस, जो मूवी को आप देखना चाहते हैं, जिस मूवी के लिए आप सीट बुक करना चाहते हैं, उस मूवी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिंपली ऊपर में देखिए सर्च का बटन दिया गया है गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो भी मूवी को आप देखना चाहते हैं सिंपली वही मूवी यहाँ पर टाइप करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर KGF टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर KGF टाइप करने के बाद देखिए सर्च कर दिया हूँ तो KGF चैप्टर 2 और KGF यहाँ पर आ गया। तो देखिए सबसे ऊपर वाला जो चैप्टर 2 वाला है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके भी सामने आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरह का डिटेल है इस मूवी के बारे में, और नीचे ऑप्शन दिया गया है बुक टिकट। सिंपली आपको बुक टिकट पर एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट करना होगा किस डेट में आप मूवी देखना चाहेंगे, ठीक है। तो देखिए ऊपर में बहुत सारा डेट है, तो मैं चाहता हूँ कि आज 27 तारीख है, मैं कल का डेट का टिकट बुक करना चाहता हूँ। तो सिंपल यहाँ से मैं 28 तारीख यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ से 28 तारीख को सिलेक्ट कर लिया हूँ। देखिएगा नीचे जो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है ना, तो देखिए आपका लोकेलिटी में जो आप लोकेशन चूज करेंगे उस लोकेशन में जितना सारा सिनेमा हॉल रहेगा वो सारा सिनेमा हॉल का नाम यहाँ पर शो करेगा। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ पुरुलिया। तो पुरुलिया के अंदर गाइज एक ही सिनेमा हॉल है, इसीलिए एक ही यहाँ पर जो नाम शो कर रहा है, ठीक है। अगर मल्टीपल रहेगा यानी कि ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा सिनेमा का हॉल का नाम यहाँ पर शो करेगा। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पर आना है, यानी कि टाइम को सिलेक्ट करना है कौन सा टाइम में आप सिनेमा देखना पसंद करेंगे। तो देखिए गाइज बहुत सारे यहाँ पर टाइम दिया गया है, तो मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ 12 बजे का, ठीक है। जैसे कि 12:05 में ये जो टाइम है इस टाइम में सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि क्लिक कर देता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे तो टर्म एंड कंडीशन कुछ आ जाएगा, सिंपली आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद गाइस देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएगा। ऊपर में लिख रहा है हाउ मेनी सीट, यानी कि कितना सीट आप बुक करना चाहते हैं। तो मैं यहां से देखिए गाइस मैं 1 लोगों का सीट बुक करना चाहता हूं। आप चाहते हैं यहां से 10 लोग को तो आप यहां से सीट बुक कर सकते, ठीक है, 10 लोगों का तक। तो मैं सिंपली 1 पर क्लिक कर दूंगा क्योंकि मुझे एक ही सीट बुक करना है। उसके बाद देखिए आपको बहुत सारे कैटेगरी देखने के मिलता है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि सबसे पहला है रॉयल कैटेगरी का 250 रुपया है, प्लैटिनम का 150 रुपया है, गोल्ड का देखिए 112 रुपया, सिल्वर का देखिए 80 रुपया है।
यहाँ पर आप देख लेंगे, लेकिन आपको नेक्स्ट पेज में दिखाई देगा, कोई बात नहीं। चलिए लेट सिलेक्ट सीट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। देखिएगा यहाँ से आप चाहे तो आपका जो टाइम है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर टाइम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पर सीट बुक करना, देखिए सीट बुक करने का देखिए आपको हर अगर कैटेगरी मिल जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रॉयल कैटेगरी ये है और इसका प्राइस है 250 रुपया। आप चाहे तो यहाँ से भी अपना सीट को बुक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपना सीट को बुक कर सकते हैं। और देखिए नीचे आपको मिलता है प्लैटिनम, जैसे कि 150 रुपया वाला है, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो सीट है यहाँ से आप सीट बुक कर सकते हैं, ये जो वाला सीट है। और उसके बाद देखिए नीचे जो गोल्ड वाला सेक्शन है गाइस, यहाँ पर भी आपको मिलता है 112 रुपये से आपको लगेगा। गोल्ड वाला सेक्शन पर आपको आपको सीट बुक होगा। तो मैं यहाँ से गोल्ड वाला सेक्शन पर जाता हूँ और मैं ये वाला जो सीट है मैं इसे बुक करता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा है 10, ठीक है, ये जो ऊपर में 10 लिखा है ये वाला सीट मैं बुक करता हूँ। सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए आपका ये सिलेक्ट हो गया है। तो गाइस मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, देखिए इसका जो मतलब मीनिंग है, कुछ मीनिंग है, जैसे कि यह कि जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट का जो कुछ कलर है कुछ इस तरह का है, अगर अवेलेबल रहेगा गाइस तो देखिए कुछ इस तरह के इंटरफेस यानी कि ये जो मतलब बॉक्स है ये बॉक्स खाली रहेगा, ठीक है। अगर अगर ये बॉक्स अगर इस तरह का मतलब फिल रहता है, कलर में फिल होता है, तो देखिए आपको समझना है कि ये सीट अभी बुक हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर सारा जितना सारा सीट है खाली है, तो आप किसी भी जगह पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपना जो अमाउंट का हिसाब से। तो यहाँ से मैं क्लिक कर लिया हूँ, तो सिंपली अभी आपको करना क्या होगा ना, पे नीचे ऑप्शन मिल गया है, फिर आपको क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा गाइज। और यहाँ पर आपको पूछता है कि आप कुछ अगर खाना वगैरह अगर चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा हॉल के अंदर। तो यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ पेप्सी पॉपकॉर्न इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं यहाँ सिंपली स्किप कर देता हूँ, मुझे कुछ खाना वगैरह नहीं चाहिए तो स्किप कर दूंगा, ठीक है, स्किप कर दिया हूँ। उसके बाद ये कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाता है। आपको यहाँ पर देखिए ऊपर में ईमेल देने के लिए बोल रहा है, क्योंकि आपका जो टिकट होगा वो आपको ईमेल में सेंड किया जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ से ईमेल भी भर देना है। तो मैं यहाँ सिंपली यहाँ से आप मैं अपना किसी भी एक ईमेल आईडी को यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद देखिए नीचे ऑप्शन आपको मिल जाता है, देखिए अपडेट डिटेल्स, ठीक है। यह अपडेट डिटेल्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का और एक इंटरफेस आ जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से भी अपना डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल्स जैसे आप चेक करेंगे और देखेंगे सब कुछ सही है, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है। देखिए पेमेंट मोड आपको मिलता है UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोर पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर भी आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक करना है पे 133, यानी कि जो मेरा पैसा मतलब लगेगा टोटल पेएबल आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। देखिए आप यहाँ से लिखा है टोटल पेएबल अमाउंट यहाँ पर शो रहा है 133 रुपया, यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। आपको 133 रुपया देना पड़ेगा। तो आप यहाँ से भी ये जो कंट्रीब्यूट टू बुक स्माइल यहाँ पर ये जो है 1 रुपीज़ लग रहा है, यह सब आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आपको सिंपली पे 133 नीचे जो ऑप्शन दिया गया यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर होता है दोस्तों आपका पेमेंट मोड सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा पेमेंट मोड दिया गया है, आप किसी भी एक पेमेंट मोड को सिलेक्ट करके अपना पेमेंट को आप सक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ UPI के थ्रू, जैसे कि सबसे ऊपर UPI का ऑप्शन मिल गया है, तो मैं UPI पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, मेरा जो पेटीएम का UPI है यहाँ पर आ गया है, ठीक है, यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर मांग रहा है, क्या मांग रहा है, एंटर योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि आपका जो UPI ID है यहाँ पर आपको डालने के लिए बोल रहा है। तो आपका जो UPI ID है, मान लीजिए आपका कुछ इस तरह का UPI ID है, उसके बाद आपको @PayTM, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है आपका UPI ID। लिखने के बाद जैसे आप पे करेंगे गाइस, आपका ये जो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका जो टिकट आपको बुक हो जाए, आपका टिकट का प्रूफ भी आपका ईमेल आईडी के जरिए से आपको और मैसेज के जरिए से आपको मिल जाएगा। तो गाइस इस तरीका से आप करेंगे टिकट बुक BookMyShow एप्लीकेशन से। आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैंने जो कुछ भी बताया आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। गाइस पेमेंट मैं यहाँ पर नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों मुझे अभी टिकट बुक करने कोई ज़रूरत नहीं है। जितना प्रोसेस रहता है मैं आपको समझा दिया हूँ। कुछ भी अगर डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते गाइस और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अच्छा रहे।